हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मंजू पाल और आप लोग कैसे हो, उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आपके जितने ही फैमिली में मेंबर हैं सब ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी का बर्थडे है या मेरे शादी के एनिवर्सरी है वो तो आपको देखना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा। दोस्तों अगर मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग तो इतने स्मार्ट हो और आप लोगों के दोस्त बहुत सारे होंगे। क्योंकि जो स्मार्ट लोग होते हैं और जो बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा अमीर होते हैं, उनके दोस्त तो बहुत काफ़ी होते हैं। तो मेरा वीडियो उनमें शेयर करें और प्लीज़ मुझे फुल सपोर्ट करें दोस्तों। तो यहाँ पे है जो मेरी पूरी फैमिली बैठी हुई है, उधर बड़ा वाला बेटा और इधर मेरा बाबू छोटा वाला, जिनको आप लोग जानते ही हो क्योंकि ये हरदम मेरे साथ में रहते हैं। और बड़े वाले तो नहीं रहते हैं क्योंकि ये अपने स्कूल, और ये अभी छोटे हैं, जब तक छोटे हैं तब तक मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। जब भी बड़े हो जाएंगे ये भी अपने अपने काम पर लग जाएंगे, रहेंगे हम दोनों साथ साथ। इधर मेरे ये हस्बैंड बैठे हुए हैं। तो दोस्तों आज मेरे छोटे वाले बाबू का है बर्थडे, तो आप सब लोग कुछ मेरे को यही कहना है, बहुत सारे आशीर्वाद दीजिएगा बच्चे को मेरे, और मेरे बच्चे को बहुत सारा मतलब आप लोग गिफ्ट तो दोगे नहीं और पास में होते तब भी नहीं। और फिर हाँ, जितने भी चाहने वाले हैं अगर मेरे बच्चे को चाह रहे तो भाई गिफ्ट तो ज़रूर ही देते, ऐसी बात नहीं, कोई बात नहीं। दोस्तों आप सभी का आशीर्वाद चाहिए मेरे बच्चे के लिए, मेरा बच्चा के लिए बहुत सारी आशीर्वाद दीजिएगा। दोस्तों आशीर्वाद से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है, सबसे बड़ा यही होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं, वे बैलून जो हैं फूल गए हैं, और इधर भाई इनके पापा ने और इनके भाई ने पहना दिए हैं कपड़े, मैं तो बैठी थी चुपचाप। और ये सब लोग तैयार हो गए हैं, हस्बैंड मेरे इधर अपने बालों पे कर रहे हैं कंघी, मैं अर्चित को तैयार कर रही हूँ। तो दोस्तों मैं आप सोचोगे ना, क्योंकि एक बात मैं आप सभी को बोलना चाहती हूँ, मेरे बाबू का नाम अर्चित है, और क्योंकि ये नाम जो अर्चित से मेरे बाबू जाने जाते हैं, और जो असली नाम इनका है वो है पार्थिक, ठीक है। और ये नाम दो कैसे पड़े हैं ये मैं ज़रूर बताऊँगी आपको। और तो यहाँ पे दोस्तों बर्थडे मना रहे हैं हम लोग, और प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। तो बाबू मेरे तैयार हो चुके हैं, और दोस्तों बैलून इतने सारे लेके आए थे ना, और पता नहीं इन्होंने जैसे ज़्यादा काफ़ी हवा हो गई थी पता नहीं, या तो ये 3 से 4 बैलून तो ये फूट फूट के पटक पटक से पटाखा हो रहा था। तो मुझे हंसी भी आ रही थी इस बात की, मैं बोली चलो कोई नहीं, पटाखा तो नहीं है और फिर भी गुब्बारा ही फूट रहे हैं और अच्छा लग रहा है। तो मैं इधर देखिए मेरे बड़े वाले बाबू जो हैं कैंडल लगा रहे हैं, और वो छोटे वाले उधर बैठे हैं जिनका बर्थडे है, ये टोपी बड़े वाले बेटा मेरा पहना रहा है, और भाई बहुत खुशी थी। और अपनी फैमिली के सभी मिलकर अपने मना लेते हैं दोनों ही बच्चे का बर्थडे, तो ये तो बहुत ही खुश थे छोटू। और आगे देखिए आपको हंसी बहुत ही ज़्यादा आएगी, देखिए किसी ने बोला भी नहीं बेटा कैंडल को इसको बुताओ, और किसी ने भी नहीं बोला, अपने आप ही फटाफट, क्योंकि इनको केक खाना था, जल्दी जल्दी केक की बहुत ही जल्दी थी, फटाक से फूंक मार दिया और केक काटने लगे। केक इनके पापा ने केक दिया, और देखना अभी ये देखो, और इनके पापा केक खिला रहे हैं इनको। और यहाँ पे दोस्तों मैं ठीक से तैयार भी नहीं हुई थी, और मैं सोची चलो क्या तैयार होना, और चलो जो भी है अपने बच्चे की खुशी के लिए सब कुछ किया मैंने, जितना भी मेरे को करना चाहिए था। और बोलते हैं दोस्तों अपने मतलब जितना आप फिर अपने बच्चे के लिए सबको सभी करते हैं, कोई ज़्यादा कोई कम, कोई अपनी जितना हैसियत होती है उस हिसाब से कोई
जैसे जैसे दोस्तों आप तो समझदार हो, समझ ही सकते हो। तो यहाँ अपने पापा को केक खिलाया, मेरे को खिलाया, अपने भाई को खिलाया, और हंसी तो ये लग रही थी। हाँ, ये जैसे हस्बैंड मेरे बोलने लगे मम्मी को खिलाओ, तो इनको ये इंतजार, मैं किसी को ना खिलाऊँ, मैं अपना खुद केक, मेरा केक है, मैं खुद ही खा लूँ अकेले अकेले। तो इस बात पर मेरे को बहुत ही हंसी लग रही थी। तो यहाँ पर दोस्तों मनाया इस तरह कुछ मैंने बर्थडे। दोस्तों यहाँ पे देखिए, मेरे हस्बैंड ने इनको दी है ये गाड़ी, जो कि इनको गाड़ियों से दोस्तों गाड़ी ने बहुत पसंद है, इन्हें गाड़ी ही पसंद है और कुछ नहीं पसंद है। तो दोस्तों गाड़ी देखकर बड़े खुश हो गए थे और इनको बहुत अच्छा लगा था। तो यहाँ बच्चे ने लिया केक, तो मैं सोची, मैं बोली बेटा जाओ फ्रिज में रख के आ जाओ। और यहाँ पर दोस्तों मैं, यहाँ पे कपड़े मेरे हैं, कुछ कपड़े मैंने धोई थी जो कि मेरे को डालना है दोस्तों। हाँ, अब मैं बता दूँ आपको मेरे बच्चे का नाम दो कैसे पड़े हैं। दोस्तों जब मेरे बच्चे का जन्म हुआ था ना, तो मैंने इनका नाम सोची थी अर्चित रखने के लिए, ठीक है। और जन्म पत्री जब बनवाई जाती है, तो मेरे हस्बैंड जा रहे थे ना जन्म पत्री बनवाने के लिए, ये बोले कि मंजू नाम क्या रखना है। मैं बोली अर्चित। कह रहे क्या अर्चित, अर्चित ऐसे कुछ कह रहे थे। नहीं मतलब दोस्तों ना, सब नहीं, मतलब पहली बार, अब तो वो खूब बुलाते हैं, अर्चित ही करके बुलाते हैं। पहली बार जैसे कोई भी सुनेगा, जैसे अभी कहीं भी जाओ, बैंक में जाओ, कहीं भी जाओ, ऐसे नाम लो तो दो तीन बार पूछेंगे क्या अर्चित, अर्चित, ऐसे करते हैं। तो कह रहे हैं मेरे को, फिर बहुत जल्दी जल्दी थे, बहुत भाग रहे थे जोर जोर से, क्योंकि जल्दी जाना था, जल्दी इनको कुछ काम था, कहीं मतलब ज़रूरी था, भाग भाग के जा रहे थे। कह ठीक है मंजू, जो तुमको रखना है रख लेना, अब मेरे को जो समझ में आ रहा मैं वही बोल दूँगी जाके। मैं बोली ठीक है जाओ फिर तुम। तो ये क्या करें, इन्होंने पार्थिक रख दिया, मतलब पार्थिक, वहाँ नाम जो जन्म पत्री होती है ना, उस पर पार्थिक रखवा दिया। तो पार्थिक जब बोले, मैं बोली तुमने नाम क्या रखवाया, बोले मेरे को जो समझ में आया मैंने रखवा दिया, पार्थिक रखवा दिया। मैं बोली मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है। फिर कोई बात नहीं, नहीं अच्छा लग रहा है तो ये पार्थिक रहने दो, मतलब जन्म पत्री में जो है मेरे बेटे के पार्थिक रहेगा, मतलब तुमको जो बुलाना है वो बुलाओ। तो दोस्तों मैं बुलाती हूँ अर्चित, क्योंकि अर्चित से इनकी आईडी भी चल रही है, अर्चित से इनका चैनल भी खोली हूँ, तो मैं अर्चित बुलाती हूँ। तो बहुत से मैंने ना इंस्टाग्राम पे भी मैंने डाली, और क्या नाम करी, किसी ने मतलब ज़्यादा मतलब जानती कोई, मतलब वो हो गया कि देखो हाँ ये पार्थिक कौन है। तो मेरे बेटे का नाम दो है, मैं बता देना चाहती हूँ, दो है। तो वही उन्हीं का बर्थडे था अर्चित का, तो उनका ही मैंने केक काटी। और चलो दोस्तों, लाइक मिले या ना मिले, कोई ना कोई ना, और आप लोगों का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा चाहिए। तो बस, और कोई कोई मतलब खासकर बस मैं यही बोलना चाहती हूँ आप सभी से, बस आशीर्वाद से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। और तो दोस्तों ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये मैंने जल्दीबाजी में हमने पहन ली थी, बस मैंने उसको ही दो तीन बार, ये दोस्तों पहले का है जो मैं मतलब कपड़े वगैरह सुबह नहाई हुई थी, क्योंकि वो मैंने बीच में जोड़ दी, पहले जोड़ दी, और ये मैं बात को दिखा रही हूँ। तो दोस्तों ऐसा कुछ मेरे बच्चे का गया बर्थडे, और अब दोस्तों बड़े वाले का आएगा। तो दोस्तों बस हम फैमिली बस अपने में ऐसे सब खुश हो लेते हैं। दोस्तों हम क्या खुश हो लेते हैं, जवाना ही ऐसे है, अपनी फैमिली में सब खुश रहते हैं, अपना ही अपना नज़र आ रहा है, और कोई किसी को नहीं देख रहा है, कोई किसी की तरफ नहीं देख रहा है। तो दोस्तों मैं भी इसी तरह चल रही हूँ। बाय बाय।